पीसीबी का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। इमामुल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और सरफराज समेत 13 खिलाड़ियों की छुट्टी। शाहीन अफरीदी की भी ए से बी कैटेगरी में तनजली। 25 क्रिकेटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। पहली मरतबा 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। बाबर आजम और रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। शान मसूद की बी कैटेगरी, कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और इब्रार अहमद की सी कैटेगरी दी गई। साजिद खान, सलमान आगा और सऊद शकील बी सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, हुरैरा, मीर हमजा, पुरम शहजाद डी कैटेगरी में शामिल। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ियों और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतल्लिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। वज़ीरे ख़ज़ाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौशी बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वज़ीरे ख़ज़ाना का दौरा अमरीका मुकम्मल, ऐलामिया जारी कर दिया गया। गूगल के नायब सदर करण भाटिया और चीनी नायब वज़ीरे ख़ज़ाना से मुलाकात, दो तरफा मौशी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोबाइल सिम, बिजली और गैस बंद से बचने के लिए फाइलर्स की तादाद में इजाफा। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से तजावज़ कर गई। अब तक तो गोशवारों के साथ 123 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स भी इकट्ठा। 18,20,484 अफराध ने काबिल टैक्स आमदन सिफर जाहिर की। मजमूई गोशवारों में से 38% ने काबिल टैक्स इनकम सिफर डिक्लेयर की। तौसीशुदा दूसरी डेडलाइन ख़त्म होने में 4 दिन बाकी हैं। हुकूमत की तवज्जो मईशत पर नहीं, गलत आदाद शुमार कौम को बताते रहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के आदाद शुमार से नहीं, बिलों से मईशत का पता चलता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं 40 साल नून लीग की हुकूमत रही, मईशत ठीक नहीं कर सके। एक साल में 2,000 अरब रुपये इनको दे दिए जिन्होंने बिजली नहीं दी। जमात इस्लामी के दबाव पर 5 IPPs को बंद किया। 8 से मुआहदा होना जा रहा है। जो 480 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ, उसका असर बिजली बिलों में नज़र आना चाहिए। मुल्क की फ़ा जहर आलूद, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 696 रिकॉर्ड। लाहौर का इलाका गढ़ी शाहू सबसे ज़्यादा मुतासर, इंडेक्स 916 तक जा पहुँचा। जौहर टाउन में 893, ठोकर में 878, कोट लखपत में 754 रिकॉर्ड। डिफेंस और गुलबर्ग में 700 से ज़ायद, कैंट और रेलवे स्टेशन में 680 से ज़ायद है। शहरीों में बीमारियाँ आम होने लगीं। अस्पतालों में खांसी, वायरल फ्लू, गला ख़राब और दीगर बीमारियों के मरीज़ रिपोर्ट। महकमा सेहत ने मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। और साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा क्रिकेट शायकीन के निशाने पर। बराह रास्त नशियात के दौरान शान मसूद पर तनकीद। रमीज़ राजा ने 6 मैच हारने पर शान मसूद पर तंज किया। शान मसूद ने तहमुल से जवाब दिया, रमीज़ भाई हमें इस जीत की ज़रूरत थी, मैं खुश हूँ कि पाकिस्तान जीत गया। मोहम्मद आमिर की रमीज़ राजा पर तनकीद, कहा 2021 के बाद होम ग्राउंड पर सीरीज जीती। फातह टीम के कप्तान से इस अंदाज में बात करना अजीब है। साबिक क्रिकेटर्स ने भी साबिक चेयरमैन PCB को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लफ्जी जंग छिड़ गई।